अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। इस दौरान पटना स्थित आईजीआईएमएस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीवाई सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई मंत्रियों ने कोरोना का टीका लगवाया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने भी कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा, साथ ही पत्रकारों के लिए भी टीका लगवाने की व्यवस्था करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर टीका लगवाया और ये भरोसा दिलाया आम जनता को कि ये जो टीका है पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। तो आम जनता की अगर बात की जाए, खास बात ये भी है कि बिहार में वैक्सीनेशन मुफ्त में होगा। तो पत्रकारों को भी टीका लगवाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया है। और आपको बता दें कि ये जो आदेश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, और बहुत बड़ी बात है कि बिहार की जनता के लिए जो वैक्सीन से आप जुड़ सकते हैं, कोरोना को भगाना है तो आपको वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़ना होगा, मुफ्त में होगा। चाहे अगर प्राइवेट अस्पताल की भी बात करें तो वहां भी आपको मुफ्त में टीका लगवाया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। और खास तौर पर मुख्यमंत्री ने टीका लगवाया तो ये भी कहा कि जैसे मैं आया था मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। और आपको बता कि 28 दिन बाद फिर दूसरा डोज दिया जाएगा। वैक्सीनेशन का, कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज आईजीआईएमएस में प्राप्त करने का, लेने का मुझको अवसर मिला है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं सब जगह इन सब चीजों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है और आईजीआईएमएस से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यहीं आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहाँ पर आकर के लोगों के बीच में बातचीत भी की थी और यहाँ का काम बहुत अच्छा है। और आज जो टीकाकरण का जो शुरुआत फिर करा दी गई है बिहार में, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से मुफ्त का इंतजाम भी किया तय कर दिया। आईजीआईएमएस में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को कोरोना का टीका लगाया गया। मंत्री विजेंद्र यादव को भी टीका लगवाया गया, विधायकों को भी टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन पर संदेह को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, पीएम ने खुद वैक्सीन लिया है। डिप्टी सीएम ने सभी विधायकों से वैक्सीन लेने की अपील की। तीसरे चरण को प्रारंभ किया देश में और राज्य में, और उसके साथ उनके मंत्रिमंडल के साथी के रूप में हम सबों ने कराया है, तो स्वाभाविक है या इस वैक्सीनेशन के विश्वसनीयता को प्रकट करती है। मैं उन वैज्ञानिकों को, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपना देसी वैक्सीन पूरे देश को बचाया, पूरे देश की सेवा की। और उन वैज्ञानिक और अपने प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि टीकाकरण का तीसरा चरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद टीका लगवाया। टीकाकरण के सवाल पर प्रत्यय अमृत ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरे देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण बिहार में हुआ है। प्रधान सचिव ने लोगों से टीका लेने की अपील की है। अमृत प्रत्यय ने कहा कि कोरोना जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं और इस अभियान में किन किन को शामिल किया जाएगा, किन किन को टीकाकरण? आज ये जो चरण शुरू हो रहा है जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं टीका लेकर, उनके साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं और कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण भी हैं, कुछ वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी हैं। तो ये चरण हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे, समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन 60 वर्ष ऊपर और विशेष रूप से 45 से 59 वर्ष के वो लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनके टीकाकरण से संबंधित है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं
और यह कोशिश हम लोग करेंगे कि इस अभियान में भी जैसा हम लोगों ने प्रथम चरण में कामयाबी हासिल की है वैसा ही काम करेंगे। अमृत थे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और ये बता रहे थे कि किस तरह से तीसरे चरण का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो काफ़ी अहम है और पूरे बिहार सरकार की नज़र इस तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान पर टिकी हुई है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया।